हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द परसेंटेज चैप्टर, है ना। दैट इज़ चैप्टर नंबर 10। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंट किसको कहते हैं, है ना। तो परसेंट में सपोज अमित ऑब्टेन्स 92 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, देन वी से दैट इट हैज़ ऑब्टेन 92% मार्क्स इन इंग्लिश। सिमिलरली If there is a box containing 100 electric bulbs, out of which 10 bulbs are defective, we say that 10% of the bulbs in the box are defective. Okay? Thus, percent means per 100. मतलब कि परसेंटेज एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग कंपेरिजन करते हैं किसी भी नंबर को आउट ऑफ 100, है ना। मान के चलो कि यहाँ पे एक बॉक्स था, उस बॉक्स में 100 बल्ब्स थे, है ना। उस 100 बल्ब्स में 10 बल्ब्स जो थे वो डिफेक्टिव बल्ब्स थे। तो 10 डिफेक्टिव बल्ब्स का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 10 को हम कंपेयर कर रहे हैं 100 से, है ना, दैट विल बी 10%, है ना। तो परसेंटेज का मतलब हुआ पर 100, है ना। तो इसका हम लोग सिंबल यूज करते हैं, दैट इज़ दिस। वी हैव अ चैप्टर दैट इज़ परसेंट टेज, है ना। ये चैप्टर है तो इसमें हम लोग पहले परसेंट के बारे में सीख रहे हैं। पर सेंट का मतलब होता है 100 एंड पर का मतलब एज यू नो दैट इज डिवाइडेड बाय, है ना। तो 100, ठीक। तो इसका सिंबल ये होता है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंट, ठीक। नाउ यू कैन से थस 16% विल बी रिटन एज, अगर 16% को लिखना होगा तो 16 इस तरह हम लिख सकते हैं, है ना। इफ़ मिस्टर सिन्हा सेव 20% ऑफ हिज इनकम, वी से डैट ही सेव 20 रुपीज़ आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज़ ही अर्न्स, है ना। मतलब कि अगर वो 100 रुपये कमाता है, है ना, तो उसमें से अगर 20% वो सेव करता है, इसका मतलब कि 20 रुपया वो सेव कर रहा है ना। अगर यहाँ पे 2000 बोला जाए कि वो 2000 कमा रहा है, है ना, इसका 20% वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, इसका मतलब कि 200 रुपया सेव कर रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर 10,000 वो अमाउंट क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, है ना, ही इज अर्निंग 10,000, देन ही सेव 20% ऑफ हिज अर्निंग, तो इसका मतलब कि ये वो रुपीज़ 2000 क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे आ रहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, 20% ऑफ 10,000, है ना, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 2000 आएगा, ठीक है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट टर्म है दैट इज 100 पार्ट, आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज नोन एज इट्स 100 पार्ट, थस 8/100 इज इक्वल टू 800, है ना, 11/100 दैट इज 1100, है ना। उसी तरह परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बाय अ परसेंटेज वी मीन दैट मेनी हंड्रेड्स, है ना। 5% दैट कैन बी रिटेन एज, 5% को हम लोग लिखते हैं 5/100, है ना। 10% को हम लोग लिखते हैं 10/100, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज। तो पहला हमारा है कन्वर्जन, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज, है ना, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। तो हम लोग को कन्वर्जन देखना है, देर आर टोटल 6 कन्वर्जन इन द परसेंटेज, है ना। उन 6 कन्वर्जन को हम लोग देखेंगे अभी और समझने सीखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। द फर्स्ट कन्वर्जन इज टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इंटू अ परसेंटेज। पहला कन्वर्जन हमारा क्या है, टू कन्वर्ट, है ना, अ फ्रैक्शन इंटू अ परसेंटेज, ठीक। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट
फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज है ना, वी मल्टीप्लाइड विथ 100 है ना। मतलब कि हमको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना परसेंटेज में, तो हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमको बोला जाए क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, इफ 3/4 इट इज़ अ फ्रैक्शन, इट इज़ अ फ्रैक्शन, वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा दैट बिकम्स 75 एंड वी पुट अ सिंबल ऑफ परसेंटेज है ना, वी पुट अ सिंबल ऑफ परसेंटेज। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज दैट इज इफ इट इज गिवन दैट इज 33/100, दिस फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग विथ 100 एंड पुटिंग अ सिंबल ऑफ परसेंटेज दैट बिकम्स 33% है ना। नेक्स्ट दैट इज थर्ड, इफ इट इज गिवन दैट इज 11/40, दिस इज अ फ्रैक्शन, इफ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ परसेंटेज वी मल्टीप्लाइड विथ 100 एंड इट बिकम्स सी 2 times 5 times दैट इज 55/2% है ना। यू कैन राइट दैट इज 27.5% है ना। तो ये हमारा परसेंटेज आ गया, इसको पॉइंट में ना लिख के फ्रैक्शन में लिख दिया है, दैट इज 27 1/2% है ना। तो हम पॉइंट डेसिमल में लिख दो परसेंटेज को, या फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला कन्वर्जन हुआ, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाइड दैट फ्रैक्शन विथ अ परसेंट एंड पुट अ सिंबल ऑफ परसेंट है ना। नेक्स्ट कन्वर्जन इज टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन है ना, जस्ट इनवर्स ऑफ दिस कन्वर्जन है ना। तो सेकेंड वन इज इनटू अ फ्रैक्शन, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। इसका रूल है कि टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन वी डिवाइड इट बाय 100 एंड रिमूव द साइन, जस्ट इनवर्स ऑफ द फर्स्ट कन्वर्जन है ना। फर्स्ट कन्वर्जन में हम लोग क्या देखें कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या किए, 100 से मल्टीप्लाई किए और वी पुट अ सिंबल ऑफ परसेंटेज। हेयर वी हैव टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दैट परसेंटेज बाय 100 and we will remove that symbol of percentage hai na। So for example if we have given that is 35% hai na, 35% can be written as 35/100, we have removed percentage symbol and we have divided this number, particular number with 100 hai na, it is converted into percentage। See 5 7 35 and 5 20, so it becomes 7/20, this is a fraction hai na। Another example, if we take 25% hai na, we take 25%, that is 25/100, it becomes 1 times and it becomes 4 hai na, 1/4, this is a fraction। Next, that is 50% can be written as 50/100 and this is a half है ना। तो फ्रैक्शन में 50% को हाफ लिखते हैं, 25% को 1/4 लिखते हैं है ना। इसी तरह हम लोग कन्वर्जन करते हैं, ठीक। तो दिस इज द सेकेंड कन्वर्जन एंड थर्ड वन इज दैट इज परसेंटेज एज अ रेशियो है ना।
थर्ड कन्वर्जन हमारा क्या है, परसेंटेज एज रेशियो. थर्ड वन इज परसेंटेज एज रेशियो, है ना. थर्ड वन इज परसेंटेज एज रेशियो. तो कोई भी पर्टिकुलर परसेंटेज दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 4%, है ना. फर्स्ट वन इज 4%. तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट परसेंटेज एज अ रेशियो वी कंपेयर द सेकेंड पार्ट दैट इज 100, है ना. तो यहाँ पे हमारा 4% कैन बी रिटेन एज 4/100 इनटू अ फ्रैक्शन, एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस. सी 4 1 4 एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना. यू कैन राइट 1:25. सिंस हम लोग एक चैप्टर पढ़ रखे हैं दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उस चैप्टर में हम देखे थे कि जो फ्रैक्शन पार्ट होता है एक्चुअली हमारा रेशियो में इस तरह लिखाता है, मतलब दिस कैन बी रिटन एज 1:25, है ना. द सेकेंड वन इज इफ वी टेक 17%, है ना. दिस कैन बी रिटन एज 17/100 एंड दिस कैन बी रिटन एज 17:100, है ना. थर्ड इफ वी टेक दैट इज 50%, है ना. 50% कैन बी रिटन एज 50/100, सो दिस कैन बी रिटन एज 1:2, है ना. दिस ऑल आर द कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज एज रेशियो. ओके, द फोर्थ वन इज दैट इज टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो इंटू अ परसेंटेज, मतलब इसका इन्वर्स, है ना. फोर्थ वन, अ गिवन रेशियो, टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो इंटू परसेंटेज, है ना. टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो इंटू परसेंटेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दैट रेशियो इंटू फ्रैक्शन. After that, that fraction is multiplied with 100 and we put a symbol or sign of percentage, that is, है ना. तो percentage का sign हम put करते हैं. First of all हम लोग ratio को क्या करते हैं, convert करते हैं. If it is given that is 1:4, it is given 1:4, so this रेशियो इज कन्वर्टेड इंटू, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कन्वर्टेड इंटू फ्रैक्शन. आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाइड दिस फ्रैक्शन, आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाइड दिस फ्रैक्शन विथ 100 एंड वी पुट द सिम्बॉल ओवर हेयर ऑफ परसेंटेज, है ना. देन इट इज इक्वल टू दैट इज 25%, है ना. तो रेशियो को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए. सेकेंड दैट इज 5:6 इज मल्टीप्लाइड विथ 100 एंड वी पुट अ सिंबल ऑफ परसेंटेज, है ना. वी कैन राइट दिस एज 2 से 3 times 2 से 50 times. नाउ इट इज नॉट डिवाइडेड, है ना. यू कैन राइट 250/3%, ओके. एंड वी कैन चेंज इट दिस इंटू मिक्स फ्रैक्शन, है ना. अनदर दैट इज थर्ड दैट इज 8:5. तो 8:5 को 8/5 लिखेंगे इंटू 100%, है ना. सो दिस कैन बी रिटन एज 5 20s are 100 एंड 20 into 160%, है ना. सो दिस कन्वर्जन is of ratio into percentage. Now we are going to move on the next conversion, that is conversion number 5th, to convert a given percentage into decimal form. To convert a given percentage into decimal form. है ना.
तो जो परसेंटेज हमको दिया रहेगा उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली हम लोग फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना जानते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल, तो वी विल कन्वर्ट दैट परसेंटेज इनटू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दैट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। आफ्टर दैट दैट फ्रैक्शन पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फॉर्म, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि 36% हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो दिस इज़ द परसेंटेज एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू डेसिमल फॉर्म। सो यू कैन कन्वर्ट दिस 36/100, यू कैन राइट डिवाइडेड दिस परसेंटेज इज डिवाइडेड बाय 100 एंड वी रिमूव द सिंबल दैट इज़ परसेंटेज, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा 36 जो परसेंटेज है वो क्या में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन पार्ट में। एंड दिस इज कन्वर्टेड इन टू डेसिमल, डैट इज 0.36, है ना। तो डेसिमल फॉर्म आ गया। इसी तरह कोई भी परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 12% को हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। दिस कैन बी रिटेन एज 12/100 एंड वी कैन चेंज इट इन टू डेसिमल फॉर्म, डैट इज 0.12, है ना। हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते हैं, जितना जीरो रहता है उतना डिजिट के बाद पॉइंट हम लोग लगा देते हैं, डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देते हैं, है ना। अगर 16% है सो दिस कैन बी रिटेन एज 16/100 एंड 0.16 इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 16/100 और 16%, है ना। 16% का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 0.16। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ फिफ्थ कन्वर्जन। एंड द लास्ट कन्वर्जन इज टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल इनटू अ परसेंटेज, है ना। टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल इनटू परसेंटेज, हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म में दिया रहेगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी पुट द साइन ऑफ परसेंटेज, है ना, या साइन या सिंबल बोल सकते हो। तो अगर दिया हुआ है 0.8 इज़ द नंबर ऑफ डेसिमल नंबर, है ना। दिस डेसिमल नंबर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। वी विल राइट लाइक दिस 8/100, दिस इज़ द डेसिमल को हम लोग पहले क्या किए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। Now we will multiply this fraction with 100 and we will put a symbol of percentage. फिर से समझो कि हमारा जो number है वो decimal form में दिया हुआ है, उस decimal form को हम लोग change कर दिए fraction में and we multiplied that fraction with 100 and we put a sign of percentage, है ना। So this can be written as 00 is cancel out and this can be written as 80%. है ना। नाउ अनदर क्वेश्चन, वी टेक अनदर क्वेश्चन, दैट इज इफ वी टेक 0.06, दिस इज अ डेसिमल फॉर्म एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दैट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन, दैट इज 6/100, ओके। दिस इज अ फ्रैक्शन नंबर एंड आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाइड विथ 100, है ना, विथ फ्रैक्शन नंबर एंड वी विल पुट अ सिंबल और साइन ऑफ परसेंटेज, है ना। सो 100 इज कैंसिल आउट, दिस कैन बी रिटन एज 6%। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज इफ वी टेक 0.25 इज अ डेसिमल नंबर, वी विल कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन विथ 100 एंड वी विल पुट अ परसेंटेज सिंबल। This can be written as 100 is cancel out, so this can be written as 25%, है ना। We have seen all the conversion of percentage, है ना। तो हम लोग percentage को fraction में, fraction को percentage में, percentage को ratio में, ratio को percentage में, है ना, percentage को decimal form में, decimal को percentage form में, मतलब कि इतना conversion हम लोग देखा। और इस पर बेस्ड हमारा पहला एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 10A, है ना। तो हमारा पहला एक्सरसाइज है दैट इज 10A एंड दिस इज बेस्ड ऑन दिस कन्वर्जन, ओके। वी विल डू सम प्रॉब्लम्स, है ना। इफ वी हैव
अ क्वेश्चन दैट इज फाइंड अ नंबर हुज 8% इज 6. एक नंबर है जिसका 8% हमारा कितना आता है, 6 आता है. तो क्वेश्चन इज, सी वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड अ नंबर हुज 8% इज 6. इट मीन्स कि एक नंबर है जिसका 8% हम निकालते हैं तो 6 आता है ना. तो लेट द नंबर बी एक्स, ठीक, सॉल्यूशन है, लेट द नंबर बी एक्स. 8% ऑफ मतलब क्या कर रहा है कि एक नंबर है, उस नंबर को निकालिए जिसका 8% 6 आता है. तो 8% ऑफ 6 सॉरी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6, इट इज़ गिवेन. सो यू कैन राइट 8% एज फ्रैक्शन, दैट इज 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6. सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 100 बाई 8. ओके, नाउ यू कैन डिवाइड इट, 2 3 6, 2 4 8, एंड 4 1 4, 4 25 100. सो एक्स कैन बी रिटन, सो द सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज 75. सो द नंबर इज 75 जिसका 8% हम निकालते हैं तो वो कितना आता है, 6 आता है. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आपके एक्सरसाइज में है, उसको बनाइएगा. तो ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. ठीक है, सो ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.